हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल कुमार मनीष एजुकेशंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर से एक न्यू टॉपिक के साथ आ चुके हैं। तो इससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो अगर जो भी नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन ऑन कर ले, जिससे जो भी वीडियो मिलेगी, जो भी नोटिफिकेशन मिलेंगे, जो भी न्यू वीडियो, उसका आपको नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं जो हमारा टॉपिक चल रहा था उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो किससे रिलेटेड चल रहा था, यानी कि CHN यानी कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, यानी कि जो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो BSc नर्सिंग, जो सेकेंड ईयर के अंदर जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट होती है उसके बारे में चल रहा था। सबसे पहले हम पिछली वीडियो के अंदर देख चुके थे कि इंट्रोडक्शन ऑफ द CHN क्या होता है, उसके बाद उसके थोड़ा बहुत उसके बारे में इंट्रोडक्शन वगैरह जान चुके हैं। आज उसके बाद देख लेते हैं हमारी कौन सी यूनिट चल रही थी, यानी कि जो CHN के अंदर क्या चल रही है, फर्स्ट यूनिट यानी कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की फर्स्ट यूनिट चल रही थी। उसके बाद हम देख लेते हैं कि आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो किसके बारे में होगा, डायमेंशन ऑफ द हेल्थ, यानी कि हेल्थ के अंदर डायमेंशन, यानी कि जो हेल्थ का जो डायमेंशन होता है वो क्या होता है। तो सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग होती है उसके अंदर क्या होता है, जो डायमेंशन ऑफ द हेल्थ होता है क्या होता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, यानी कि डायमेंशन ऑफ द हेल्थ क्या होता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। और यह क्या करता है, एक एग्जामिनेशन यानी कि एग्जाम के बेस के ऊपर ही, एग्जामिनेशन बेस के आधार पर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं कि कौन कौन से डायमेंशन होते हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंदर। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हेल्थ इज ए मल्टी मैंसनल, यानी कि हेल्थ क्या होती है, सबसे पहली चीज़ ये देखा, हेल्थ क्या होता है, एक मल्टी मैंसनल होती है। एंड WHO डिफाइन द 3 स्पेसिफिक डायमेंशन, यानी कि WHO के द्वारा नहीं, अकॉर्डिंग टू WHO के अनुसार क्या होता है, जो डायमेंशन होते हैं उनको थ्री यानी कि थ्री पार्ट के अंदर डिवाइडेड किए गए। वो थ्री पार्ट कौन कौन से होते हैं WHO के अनुसार, सबसे पहले क्या आता है, फिजिकल डायमेंशन होता है, यानी कि जो फर्स्ट पार्ट होता है फिजिकल डायमेंशन होता है, सेकेंड पार्ट क्या होता है, मेंटल डायमेंशन होता है, और जो थर्ड पार्ट होता है वो क्या होता है, सोशल डायमेंशन होता है। उसके बाद देख लेते हैं कुछ अदर डायमेंशन और दिए गए, बट द मैनी मोर मे बी प्रेजेंटेड, यानी कुछ अदर भी जो डायमेंशन होते हैं वो दिए गए हैं, उसमें कौन कौन से आते हैं। जो फोर्थ आता है वो क्या होता है, स्पिरिचुअल डायमेंशन होता है, फिफ्थ आता है इमोशनल डायमेंशन होता है, सिक्स्थ आता है वोकेशनल डायमेंशन होता है, और सेवन्थ आता है पॉलिटिकल डायमेंशन होता है। यानी कि ये क्या बताया गया है, जो डायमेंशन है यानी कि जो हेल्थ के डायमेंशन हैं उनके बारे में, टाइप के बारे में बताया गया। उसके बारे में हम देख लेते हैं कि यानी कि डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं कि फिजिकल डायमेंशन क्या होता है, मेंटल डायमेंशन क्या होता है। तो सबसे पहले देखने को हमें यही मिलता है, उसके बाद हम देख लेते हैं ऑल दिस डायमेंशन फंक्शन, यानी कि जो भी यानी जो जितने भी जो डायमेंशन हैं, यानी कि जो जितने भी हेल्थ के जो डायमेंशन हैं, इनकी जो फंक्शन क्या होंगे, एक दूसरे के साथ इंट्रैक्टेड होंगे, यानी कि जो भी डायमेंशन होंगे वो क्या होंगे, एक दूसरे के साथ इंट्रैक्टेड होंगे। एंड इट ओन नेचर पर्पज विद ए ट्रीटेड सेपरेटली, यानी इसके अंदर क्या होगा, जो भी डायमेंशन होंगे, जिस प्रकार जैसे फिजिकली डायमेंशन होगा, मेंटली डायमेंशन होगा, इन सभी को क्या होगा, सेपरेट सेपरेट ट्रीटमेंट किया जाएगा। यानी कि इनको एक साथ इनको ट्रीट नहीं कर सकते हैं, यानी कि अलग अलग डायमेंशन को अलग अलग आधार पर क्या किया जाएगा, ट्रीट किया जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं कुछ, एक छोटा सा डायग्राम है उसके आधार पर बता देते हैं कि जो डायमेंशन ऑफ द हेल्थ होते हैं क्या होते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं इस प्रकार के स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसके अंदर सबसे पहले जिसके सेंटर के अंदर क्या लिखते हैं, डायमेंशन ऑफ द हेल्थ, यानी कि ये आपको दिख रहेगा इसके अंदर क्या लिखा जाएगा, डायमेंशन ऑफ द हेल्थ। उसके बाद जो चारों तरफ होता है उसके बारे में ये डिस्कस किया जाता है कि इसमें क्या होता है, फिजिकली डायमेंशन ये दिख रहा है आपको, सोशल डायमेंशन ये दिख रहा है, मेंटली डायमेंशन ये दिख रहा है, ठीक है। उस पर इस प्रकार यानी कुछ एक समझने के लिए उसके आधार पर क्या होता है, एक स्ट्रक्चर के यानी एक डायग्राम के द्वारा इसे समझा गया है। उसके बाद हम देख लेते हैं अगला हमारा जो फर्स्ट जो डायमेंशन होता है वो क्या होता है, फिजिकली डायमेंशन होता है, यानी कि हमारा जो फर्स्ट डायमेंशन होगा वो फिजिकल डायमेंशन होगा। और तो हम देख लेते हैं कि हमारे फिजिकल डायमेंशन के अंदर क्या क्या होता है। सबसे पहले देख लेते हैं फिजिकली डायमेंशन इज ए स्टेट ऑफ द हेल्थ, यानी कि जो फिजिकल डायमेंशन क्या होता है, एक हेल्थ का एक स्टेट होता है, यानी कि एक फिजिक्स से संबंधित, हमारी बॉडी से संबंधित या बॉडी से रिलेटेड जो भी हेल्थ जो होती है उससे क्या होता है, रिलेटेड होता है। उसके बाद देख लेते हैं यानी कि एक स्टेट होता है हेल्थ का जो परफेक्ट फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, यानी जो क्या करता है, चेक करता है, यानी जो फिजिकल डायमेंशन के अंदर क्या देखा जाता है कि जो हमारी बॉडी वो परफेक्ट फंक्शंस कर रही है या नहीं कर रही है, यानी कि परफेक्ट फंक्शन के बारे में देखा जाता है। इट इज़ ए कॉन्सेप्चुलाइज बायोलॉजिकल असिस्मेंट, यानी इसके अंदर क्या किया जाता है, बायोलॉजिकल असिस्मेंट किया जाता है किसके बारे में, एवरी शेल एंड एवरी ऑर्गन्स, यानी कि इसमें यही देखा जाता है कि सबसे पहले चीज़ यानी कि जो फिजिकल डायमेंशन का मतलब क्या होता है, इसके अंदर क्या देखा, फिजिकल स्टेटस को देखा जाता है, इसके अंदर क्या होता है, फंक्शंस ऑफ द बॉडी, यानी कि जो बॉडी का जो फंक्शन होता है उसको देखा जाता है। उसके बाद क्या होता है, बायोलॉजिकली असिस्मेंट किया जाता है, यानी कि बायोलॉजिकल असिस्मेंट किया जाता है, और उसके अंदर यह देखा जाता है कि एवरी शेल या एवरी ऑर्गन, यानी कि जो भी प्रत्येक कोशिकाएं होती हैं या जो भी प्रत्येक जो ऑर्गन होते हैं हमारी बॉडीज़ के, वो क्या करते हैं, प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, यानी कि फंक्शन ऑफ द ऑप्टिमम लेवल, यानी कि ऑप्टिमम लेवल के आधार पर वो फंक्शन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक। उसके बाद अगले अगर किसी का फिजिकली हेल्थ
कैसे होंगे, अगर किसी की फिजिकली हेल्थ अच्छी होती है तो उसके साइन क्या होंगे, और फिजिकली हेल्थ बैड होती है उसके साइन क्या होंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, अगर किसी की फिजिकली हेल्थ अच्छी होती है तो उसके जो साइन होंगे वो क्या होंगे, हम किस साइन के आधार पर ये बता सकते हैं कि इस कैंडिडेट की क्या होता है जो फिजिकली हेल्थ हो क्या होता है परफेक्ट है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं साइन ऑफ द फिजिकल हेल्थ एंड इंडिविजुअल्स, इसमें क्या होंगे, क्लियर स्किन, यानी कि जो कैंडिडेट जो भी व्यक्ति होता है या जो भी पर्सन होता है उसकी अगर फिजिकली जो डायमेंशंस हो परफेक्ट होती है, उसमें क्या होता है क्लियरली उसकी स्किन होती है, यानी कि स्किन क्लियर हो जाती है। गुड बॉडी पोस्चर, यानी कि जो उसका बॉडी का पोस्चर होता है वो गुड होता है। एंड ब्राइट आइज हेयर, उनकी उसकी जो आई होंगी वो ब्राइट हेयर होंगी। उसके बाद स्वीट ब्रीथ, यानी कि स्वीट तरीके से ब्रीथ होगी, यानी कि जो हम सांस लें सांस वगैरह लेते हैं तो उसकी जो आवाज़ वगैरह निकलती है वो बहुत ही स्वीट निकलती है। उसके बाद गुड एपेटाइट, यानी कि भूख बहुत अच्छे तरीके से लगेगी, यानी कि एपेटाइट का मतलब क्या होता है, भूख लगना, यानी कि भूख क्या होगा बहुत अच्छे तरीके से लगेगी, ठीक है। उसके बाद आता है साउंड स्लिप, यानी कि उसका जो साउंड स्लिप होगा वो बहुत अच्छा होगा। एंड रेगुलर एक्टिविटी ऑफ द बॉल एंड ब्लैडर, यानी कि जो बॉल एंड ब्लैडर ब्लैडर की क्या होगी, रेगुलरली एक्टिविटी होगी। एंड और ऑल ऑर्गन होप बॉडी आर द नॉर्मल इन द साइज़, यानी कि जो बॉडी का जितना भी ऑर्गन्स होंगे वो क्या होंगे, नॉर्मल साइज़ के होंगे, यानी कि कोई अंग कोई भी ऑर्गन बड़ा या छोटा नहीं होगा, सभी क्या होंगे नॉर्मल साइज़ के होंगे। एंड प्रॉपरली क्या करेंगे, फंक्शंस करेंगे। उसके बाद ऑल द सेंस आर द इंट्रैक्ट, यानी कि जितने भी बॉडी के सेंस होंगे वे एक दूसरे के होंगे इंट्रैक्ट होते रहेंगे। एंड द पल्स रेट बीपी रेस्पायरेशन टेम्परेचर विद इन द हॉर्मल रेंज, यानी कि जो भी बॉडी की जो भी पल्स वगैरह टेम्परेचर वगैरह ये सारी चीज़ें क्या होंगी नॉर्मल रेंज के अंदर रहेंगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या होती है फिजिकल डायमेंशंस के अंदर देखे जाते हैं। उसके बाद देख लेते हैं हम जो हेल्थ होती है उसका इवोल्यूशंस किस प्रकार से करते हैं, इसकी जो हेल्थ है ये अच्छी है या बेकार है। तो इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं कुछ पॉइंट होते हैं उनके आधार पर हम बता सकते हैं कि जो इवोल्यूशंस यानी कि हेल्थ का किस प्रकार से इवॉल्यूएट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें देख लेते हैं सेल्फ असेसमेंट, सबसे पहले क्या करेंगे सेल्फ का असेसमेंट करेंगे। उसके बाद इंक्वायरी ऑफ द सिम्टम्स ऑफ द इलियन की जो भी अगर इंक्वायरी करेंगे यानी कि उसकी जांच पड़ताल करेंगे, यानी कि जो इलनेस होती है जो भी बीमारी होती है उसके सिम्टम्स की जांच पड़ताल करेंगे। उसके बाद प्रिकॉशंस फॉर द सीवीएस, यानी इसके अंदर क्या करेंगे स्टैंडर्ड प्रिकॉशन, यानी कि सीवीएस कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, यानी कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के लिए क्या करेंगे स्टैंडर्ड प्रिकॉशन का ध्यान रखेंगे। एंड स्टैंडर्ड प्रिकॉशन फॉर द रेस्पायरेटरी डिजीज, यानी कि जो भी रेस्पायरेटरी डिजीज होंगी उसके लिए क्या करेंगे स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस करेंगे। इंक्वायरी इनटू द मेडिसिन, यानी कि मेडिसिन के बारे में टोटली इंक्वायरी जान लेंगे या फिर प्रॉपर नॉलेज ले लेंगे मेडिसिन के बारे में। उसके बाद इंक्वायरी इनटू द लेवल ऑफ द एक्टिविटी, यानी कि जो भी एक्टिविटीज होंगी उनके बारे में इंक्वायरीज करेंगे। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी असेसमेंट, अगर इसमें देखेंगे कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी असेसमेंट तो नहीं है या फिर न्यूट्रिशन से रिलेटेड कोई डिजीज़ तो नहीं है, कोई डिसऑर्डर तो नहीं है। उसके बाद उसके जो भी लैब इन्वेस्टिगेशंस होंगे उन सभी को क्या करेंगे जांच कर लेंगे, चेक करेंगे। इसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं हमारी जो हेल्थ होती है उसका इवैल्यूएट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो अगले अगला डायमेंशन देखने को मिलता है, हमने सबसे पहले जो फर्स्ट डायमेंशन पढ़ा वो फिजिकल डायमेंशन पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं हम सेकंड डायमेंशन के अंदर आते हैं, वो सेकंड डायमेंशन क्या होता है मेंटल डायमेंशन, यानी कि मेंटल डायमेंशन क्या होता है हम देख लेते हैं मेंटल डायमेंशन के अंदर क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। तो सबसे पहले इसके आधार पर यह बता दूँ कि मेंटल डायमेंशन से रिलेटेड क्या होंगे, मेंटल यानी कि माइंड से रिलेटेड चीज़ें बताई जाती हैं। इसमें देख लेते हैं मेंटल डायमेंशन इज डिफाइन इज नॉट मेयरली एब्सेंस ऑफ द मेंटली इलनेस, यानी इसमें क्या हो करता है यह जो एब्सेंस यानी जो मेंटली इलनेस होती है उसकी एब्सेंस को ही डिफाइन नहीं करती। अगर किसी कैंडिडेट के अंदर मेंटल इलनेस नहीं है तो उसको यह डिफाइन नहीं करती, बट लेकिन जो मेंटल हेल्थ होती है वो क्या काम करती है, मेंटल हेल्थ इज द कैपेसिटी ऑफ ए इंडिविजुअल, यानी कि जो मेंटल हेल्थ क्या होती है एक कैपेसिटी यानी कि एक क्षमता होती है किसी भी व्यक्ति की किसी भी पर्सन की फॉर्म द हार्मोन रिलेशनशिप विद ईच अदर, यानी एक दूसरे के साथ हार्मोनल रिलेशनशिप बनाने के लिए यानी कि एक दूसरे के साथ अटैच होने के लिए क्या एक कैपेसिटी होनी चाहिए, एक मेंटल हेल्थ के यानी कि एक कैपेसिटी होनी चाहिए, उसे हम क्या कहते हैं मेंटल हेल्थ के नाम से जानते हैं। एंड एडजस्ट विद देयर सोशल एनवायरनमेंट, यानी कि जैसे जैसे एनवायरनमेंट होता है उस एनवायरनमेंट के अनुसार अगर वह एडजस्ट हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं मेंटल हेल्थ कह सकते हैं। यानी कि इसके अंदर यही बताया गया है, इस पैराग्राफ के अंदर क्या बताया गया है कि जो मेंटल हेल्थ क्या होती है एक मेंटली इलनेस यानी कि एब्सेंस ऑफ द मेंटल इलनेस को नहीं डिफाइन करती है, बट लेकिन जो मेंटल हेल्थ क्या होती है एक कैपेसिटी होती है जिसके अंदर इंडिविजुअल्स क्या करते हैं एक दूसरे के साथ हार्मोनल रिलेशनशिप बनाते हैं एंड एडजस्ट यानी कि जो सोशल एनवायरनमेंट होता है उसके अंदर क्या हो जाते हैं एडजस्ट हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगली लाइन अगला जो देखने को क्या मिलता है वेरियस टाइप ऑफ द इलनेस, यानी कि इसमें क्या होता है जो मेंटल इलनेस होती है उनका अनेक टाइप की होती है, यानी कि वेरियस टाइप के मेंटल इलनेस होते हैं जिसके अंदर क्या सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट कुछ इंपॉर्टेंट जो मेंटल इलनेस होते हैं वो दर्शाए गए हैं, वो कौन कौन से हैं, हाइपर टेंशन यानी कि हाइपर टेंशन हो गया, डिप्रेशन हो गया, सिजोफेनिया हो गया एंड पेप्टिक अल्सर होगा, या क्या होते हैं कुछ मेंटली डायमेंशंस होते हैं, ठीक है। यानी कि मेंटल डायमेंशन फिर से देख लेते हैं, हाइपरटेंशन हो गया, हाइपरटेंशन के बाद डिप्रेशन हो गया, डिप्रेशन के बाद सिजोफ्रेनिया हो गया, सिजोफ्रेनिया के बाद पेप्टिक अल्सर, यानी कि सिजोफ्रेनिया एक क्या होता है मेंटली
इलनेस होता है, ठीक है। ये कुछ क्या होते हैं, मेंटली इलनेस होते हैं। उसके बाद देख लेते हैं साइकोलॉजिस्ट, यानी कि इसके अंदर क्या होते हैं, साइकोलॉजिस्ट हैव द मेंशन द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक, यानी कि जो मेंटली हेल्दी पर्सन होते हैं, यानी कि अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट, यानी कि साइकोलॉजिस्ट के अनुसार क्या होते हैं, कुछ करेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो किस में पाए जाते हैं, जो मेंटली हेल्दी पर्सन होते हैं उसके अंदर ही पाए जाते हैं। अगर ये करेक्टरिस्टिक्स किसी पर्सन के अंदर नहीं पाए जाते हैं तो वो पर्सन क्या होता है, मेंटली हेल्दी नहीं होता है। अगर ये करेक्टरिस्टिक्स किसी कैंडिडेट या किसी पर्सन के अंदर पाए जाते हैं तो उसे हम कह सकते हैं कि वो मेंटली हेल्दी है, ठीक है। यानी कि हम देख लेते हैं कि कौन कौन से करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो वो करेक्टरिस्टिक देखने के लिए ए मेंटल हेल्थ पर्सन इज ए फ्री फ्रॉम द इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि एक जो मेंटल हेल्दी पर्सन होगा वो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है जो कि डिप्रेशंस, थोड़ा थोड़ा डिप्रेशंस, हाइपर टेंशंस, यानी कि टेंशंस में जो वरी, यानी कि जो कैंडिडेट बहुत ज़्यादा वरी रहता है उससे क्या होता है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि वह क्या क्या होता है, फ्री फ्रॉम, यानी कि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से क्या होता है, फ्री फ्रॉम होता है। उसके बाद देख लेते हैं अगली चीज़, द मेंटली हेल्दी पर्सन इज़ वेल एडजस्ट, यानी कि जो मेंटल हेल्थ पर्सन क्या होता है वो एडजस्ट कर सकता है, यानी कि अनोदर दूसरों के साथ, यानी कि अनोदर दूसरों के साथ क्या कर सकता है, प्रॉपरली तरीके से क्या कर सकता है, एडजस्ट कर सकता है, ठीक। उसके बाद क्या करते हैं, ही मेंटली हेल्दी पर्सन नॉट इजिली अपसेट, यानी अगर कोई भी मेंटली हेल्दी पर्सन होता है वो क्या होता है, इजिली अपसेट नहीं होता है, यानी कि किसी के द्वारा या फिर कोई भी वर्क से रिलेटेड या कोई भी बातों से रिलेटेड वो क्या होता है, डिस्टर्ब नहीं होता है, कि उसे उसके उसका जो अटेंशन है उसको हम क्या करते हैं, भटका नहीं सकते, यानी कि उसको अटेंशन को हम एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं ले जा सकते अगर वो कोई मेंटली हेल्दी पर्सन होगा तो, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं, ही हैज़ ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ द सेल्फ एस्टीम, यानी कि अगर मेंटली हेल्दी पर्सन होगा तो वह क्या स्ट्रॉन्ग सेंस रखेगा, यानी कि स्वयं को, यानी कि सेल्फ की एस्टीम, यानी कि स्वयं की सेल्फ एग्जामिनेशन से रिलेटेड क्या करेगा, एक स्ट्रॉन्ग सेंस रखेगा, ठीक है। उसके बाद ही नो हिमसेल्फ नीड प्रॉब्लम गोल हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम, यानी कि वह अगर कोई भी मेंटली हेल्दी पर्सन होता है तो इसके अंदर यही बताया गया है कि वह जान लेगा, यानी कि ही नो वह जानता है कि नीड प्रॉब्लम, यानी कि उसकी प्रॉब्लम क्या है और उसके गोल क्या है, यानी कि उसकी प्रॉब्लम क्या है, उसके गोल क्या है, और जो भी उसकी प्रॉब्लम आई है उसको हम किस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। अगर कोई भी मेंटली हेल्दी पर्सन होता है तो वहीं स्वयं सैनिक सेल्फ कर लेता है, एंड ही हैज़ गुड सेल्फ कंट्रोल, यानी कि मेंटल हेल्दी पर्सन में क्या होगा, गुड कंट्रोल होगा, यानी कि स्वयं को संभालने के लिए क्या होगा, इसमें क्या होगा, गुड कंट्रोल होगा, ठीक है। उसके बाद जो अगली चीज़ देखने को मिलती है, इसमें क्या होता है, असिसमेंट ऑफ द मेंटली हेल्दी मेंटल हेल्थ, यानी कि अगर कोई भी मेंटली हेल्थ पर्सन होता है तो उसका हम असिसमेंट किस प्रकार से करते हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट एंड सबसे जो अच्छा वे है वो क्या होता है, जो मेंटल हेल्थ पर्सन होता है उसको असिसमेंट करने का रहता है MSC, यानी कि MSC क्या होता है, MSC एक स्पेशल होता है जिसमें क्या होता है, मेंटली हेल्थ को क्या किया जाता है, असिसमेंट किया जाता है। MSC का मतलब होता है मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, यानी कि असिसमेंट के अंदर क्या होता है, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन किया जाता है, यानी कि किसी भी पर्सन का क्या किया जाता है, उसको मेंटल एग्जामिनेशन किया जाता है, जैसे तुरंत उसके क्वेश्चन पूछना, आंसर देना, ये सारी चीज़ें होते हैं, बहुत कुछ होता है MSC के अंदर, उसको मैं भी आगे डिटेल के अंदर बता दूंगा, ठीक है। तो MSC क्या होता है, कि इम्पोर्टेंट क्या होता है, एक वे होता है, या फिर इम्पोर्टेंट क्या होता है, एक तरीका होता है हमारे जो मेंटल हेल्थ होता है उसको क्या करना, असिसमेंट करने के लिए। उसके बाद देख लेते हैं, हमने फर्स्ट क्या पढ़ा, फिजिकल डायमेंशन पढ़ा, सेकंड क्या हुआ, मेंटल डायमेंशन पढ़ा। उसके बाद हम थर्ड पढ़ते हैं सोशल डायमेंशन, यानी कि सोशल डायमेंशन के अंदर क्या होता है। तो सबसे पहले मैं इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि जो सोशल डायमेंशन के अंदर यही चीज़ें बताई गई हैं कि अगर कोई भी पर्सन होता है, यानी कि उसकी सोसाइटी के अंदर वह एडजस्ट हो जाता है, यानी कि सोसाइटी के अनुसार वह एडजस्ट हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, सोशल डायमेंशन के अंदर इंक्लूड की जाती हैं। तो हम देख लेते हैं कि सोशल डायमेंशन के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। स्टेट ऑफ द स्पेशली वेलबींग विद इन द इंडिविजुअल्स हेल्पिंग द मेंटेनिंग द हार्मोनी एंड इंटीग्रेशन बिटवीन द ऑल मेंबर ऑफ द सोसाइटी, यानी इसके अंदर क्या किया जाता है, यानी ये क्या होता है, एक स्टेट होता है, यानी कि स्पेशली वेलबींग्स, यानी कि एक स्पेशली वेलबींग्स क्या होता है, एक स्टेट होता है विद इन इंडिविजुअल्स, यानी कि कोई भी इंडिविजुअल्स होता है या कोई भी पर्सन होते हैं उसके अंदर क्या होता है, एक स्पेशली वेलबींग होता है, एक अच्छाई होती है, कि वो क्या करता है, हेल्प इन द मेंटेनिंग, यानी कि जो हेल्प करता है किसके अंदर, हेल्प इन द मेंटेनिंग द हार्मोन, यानी कि जो भी उसका हार्मोनल रिलेशनशिप होता है वो एक दूसरे के साथ बनाते हैं, उसके क्या करते हैं, मेंटेनिंग करने के लिए हेल्प किए जाते हैं। इंटीग्रेशन बिटवीन द ऑल मेंबर ऑफ द सोसाइटी, और जितने भी जो मेंबर होते हैं सोसाइटीज़ के अंदर उनके उनके प्रति क्या होना, इंटीग्रेट होना, यानी कि एक दूसरे से इंटीग्रेशन होना या एक दूसरे से बैठना उठना रिलेशनशिप बनाना, ये सारी चीज़ें क्या होता है, स्पेशली वेलबींग होती है किसी भी पर्सन के अंदर। एंड लाइव इन द क्वालिटी एंड क्वालिटेटिव लाइफ विद द गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, यानी कि अगर कोई भी इसके अंदर यही बताया गया कि यह क्या होता है, स्पेशली वेलबींग होता है किसी भी पर्सन या कोई भी इंडिविजुअल्स के अंदर, जिसमें क्या काम करता है,
यानी कि जो भी हो उसका हार्मोनल रिलेशनशिप होता है उसको मेंटेन करके रखता है, ठीक है। उसके बाद इंटीग्रेशन बिटवीन जो भी सोसाइटी के जितने भी मेंबर होते हैं उनके बीच क्या करेगा, इंटीग्रेशन बनाए रखेगा, यानी कि अच्छे से बैठे उठेगा। उसके बाद उसकी जो रहने की जो प्रक्रिया है, यानी कि जो लाइव, यानी किस प्रकार से रहेगा, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, यानी कि क्वालिटेटिव या क्वान्टिटेटिव तरीके से रहेगा, यानी कि बहुत ही अच्छे तरीके से रहेगा। एंड किसके साथ रहेगा, गुड, यानी कि गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बनाए रखेगा सोसाइटी मेंबर के साथ। उसके बाद देख लेते हैं द सोशल डायमेंशन फोकस ऑन द इंटरडिपेंडेंस विद अदर, यानी कि जो सोशल डायमेंशंस किसके ऊपर फोकस कर लेता है, यानी कि एक दूसरे इंटरडिपेंड होना, यानी कि एक दूसरे से क्या होना, इंटरडिपेंड हो जाते हैं, यानी कि किसी कोई भी अगर सोसाइटी के अंदर एक व्यक्ति होता है दूसरे व्यक्ति पर निर्भर नहीं होता है, वो क्या करते हैं सीधे फोकस बनाए रखते हैं कि वो आगे बढ़ रहा है तो मैं भी आगे बढ़ूंगा, यानी कि एक कंपटीशन सा बन जाता है सोसाइटी के अंदर। अगर कोई भी व्यक्ति हम सोसाइटी के अंदर रहते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, एक कंपटीशन सा बन जाता है कि वो इतना आगे चला गया मैं भी इतना आगे चला जाऊँ। इसलिए क्या होते हैं यह फोकस कर देता है कि इसके अंदर, यानी कि जो भी पर्सनस होते हैं वो इंटरडिपेंड, यानी एक दूसरे से क्या होते हैं इंटरडिपेंडेंस होते हैं। एंड द सोशल नेचर ऑफ द पर्सनल पॉजिटिव एनवायरनमेंट, पॉजिटिव मैनर, यानी कि जो सोशल नेचर किस प्रकार का होना चाहिए, कोई भी पर्सन होता है यानी कि सोशल नेचर होना चाहिए किसका, पर्सन का पॉजिटिव एनवायरनमेंट होना चाहिए, पॉजिटिव मैनर एनवायरनमेंट होना चाहिए, यानी कि जो भी अगर व्यक्ति कोई भी व्यक्ति है अगर वह सोसाइटी के अंदर रहता है, कोई भी पर्सन सोसाइटी के अंदर रहता है तो उसके अंदर क्या होना चाहिए, पॉजिटिवली सोच होनी चाहिए एंड पॉजिटिवली उसका एनवायरनमेंट होना चाहिए, यानी कि ये सारी चीज़ें क्या होती हैं एक सोशल डायमेंशंस के अंदर बताए गए हैं। तो सबसे पहले यही, यानी कि इसका स्पेशल, यानी कि ये पैराग्राफ है इसका जो एक शॉर्ट टर्म, यानी कि शॉर्ट टर्म के अंदर समरी यही बताई गई है कि सोशल डायमेंशंस के अंदर क्या होता है। अगर कोई भी पर्सन अगर सोसाइटी के अंदर रहता है वो तो एक दूसरे के साथ क्या हो गया, अच्छा रिलेशनशिप बनाए रखे एंड अच्छे तरीके से रहे। और दूसरी चीज़ क्या करे, एक अगर कोई भी व्यक्ति सोसाइटी के अंदर रहता है तो इंटरडिपेंडेंट होना चाहिए, यानी कि एक दूसरे से क्या हो जाते हैं इंटरडिपेंडेंट हो जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर क्या होता है कंपटीशन चल जाता है, ठीक है। यानी कि इस समरी की क्या होता है एक शॉर्ट टर्म के अंदर समरी थी। उसके बाद देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ लिया, फिजिकल डायमेंशन पढ़ लिया, मेंटल डायमेंशन पढ़ लिया, सोशल डायमेंशन पढ़ लिया। अब उसके बाद हम देख लेते हैं जो फोर्थ टाइप का डायमेंशन होता है, स्पिरिचुअल डायमेंशन, यानी कि स्पिरिचुअल डायमेंशन क्या होता है। तो स्पिरिचुअल डायमेंशन क्या होता है, इट इन्वॉल्व द सीकिंग मीनिंग पज इन ह्यूमन लाइफ, यानी इसके अंदर स्पिरिचुअल का मतलब क्या होता है, इसके अंदर ये ही इन्वॉल्व किया जाता है कि क्या पर्पज होते हैं जो ह्यूमन लाइफ के अंदर क्या होते हैं, ह्यूमन लाइफ की क्या मीनिंग होती है, ह्यूमन लाइफ के क्या पर्पज होते हैं, किसके द्वारा यूटिलाइजेशन, कोई भी स्पिरिचुअल वैल्यूज़, यानी कि कोई भी एथिक्स होते हैं या कोई भी वैल्यूज़ होती हैं उनको यूज़ करके, यानी कि यूटिलाइज करके यूटिलाइज़ किया जाता है। जो ह्यूमन लाइफ होती है उसके अंदर क्या करते हैं, इनकी सभी चीज़ों का वैल्यू वगैरह को क्या करता है, यूटिलाइज किया जाता है। लाइक जैसे प्रिंसिपल्स, इंटीग्रिटी, पर्पज ऑफ द लाइफ, बिलीव्स इन द स्पिरिचुअल वैल्यू, कमिटमेंट, यानी कि स्पिरिचुअल वैल्यू का मतलब क्या होता है कि जैसे हम एक एग्जांपल के द्वारा बता देता हूँ कि हमारे यहाँ क्या होता है, धारणाएं होती हैं, यानी कि कुछ धारणाएं होती हैं कि हमें क्या जानना था, वो ये काम करने से पहले उस मंदिर के अंदर दो खाना ज़रूरी होता है या फिर उस मंदिर के ऊपर माथा टेकना ज़रूरी होता है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं इसके अंदर, इस प्रकार की कुछ धारणाएं बन जाती हैं हमारी सोसाइटीज़ के अंदर। तो हमें क्या होता है, कोई भी व्यक्ति होता है तो वहाँ पर क्या होता है ऐसी धारणाएं बन जाती हैं, तो उनको पूर्ण करना आवश्यक होता है। तो इसलिए क्या करते हैं, जो भी स्पिरिचुअल वैल्यूज़ होती हैं, यानी कि जो सभी समाज से रिलेटेड जो भी स्पिरिचुअल वैल्यूज़ होते हैं उनको क्या करते हैं प्रॉपरली तरीके से यूटिलाइज़ किया जाता है। किसके अंदर जो ह्यूमन लाइफ होती है उनके उसके अंदर क्या करता है प्रॉपरली तरीके से यूटिलाइज़ किया जाता है, और उन्हें क्या करता है प्रॉपरली तरीके से यूज़ किया जाता है। जैसे कोई अगर सोसाइटी के अंदर कोई भी प्रिंसिपल हो गए, यानी कि किसी का भी अगर कोई भी पर्सन है उसका कुछ प्रिंसिपल है तो उसका वह हमेशा यूटिलाइज़ करेगा एंड इंटीग्रेटेड करेगा, यानी कि उसके लाइफ के क्या पर्पज होते हैं या फिर जो स्पिरिचुअल वैल्यूज़ होती हैं उसके अंदर उसका बिलीव है या नहीं, इन सभी चीज़ों को क्या करेगा स्पिरिचुअल डायमेंशन के अंदर देगा, ठीक है। तो आज का हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था वो ख़त्म हो चुका है, यानी कि जो डायमेंशन था, यानी कि डायमेंशन ऑफ द हेल्थ होता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंदर, क्या होता है इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, ये हमारा खत्म हो चुका है, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं कि हमारी जो